हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीरोके के प्रिडिक्शन में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रिडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहें। तो बात करते हैं यहाँ पे इंडिया का बिग फेस्टिवल यानी इंडियन प्रीमियर लीग, जो कि 22 मार्च से स्टार्ट हो चुकी है, जो कि कुछ मैच भी हो गए। हर एक मैच में हर एक टीम का काफ़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस भी देखने को मिल रहा है। तो बात करते हैं टूर्नामेंट के 23वें मैच की, जो कि खेला जाएगा पंजाब किंग्स और सनराइजर हैदराबाद के बीच में। इन दोनों की टक्कर हमेशा रोमांचक होती है। यह मैच आपको 9 अप्रैल को चंडीगढ़ के MYS इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। यह एक नया स्टेडियम है, यहाँ पे IPL का बस दूसरा मैच खेला जाएगा, जो कि अब पंजाब किंग्स का होम ग्राउंड भी है। तो दोस्तों वीडियो के आगे बढ़ने से पहले, अगर आपको टॉस मैच से इनका अपडेट चाहिए, हमारे स्क्रीन पर सूर्या भाई का नंबर दिया हुआ, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उनका काम काफ़ी ज़बरदस्त चल रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है। अब अगर बात करते हैं, चलते दोनों टीमों का हेड टू हेड देखते हैं, जहाँ पे दोनों के बीच में अभी तक टोटल 21 मैच खेले गए हैं, जिसमें से पंजाब किंग्स 7 मैच जीत के आ रही है, वहीं पे हैदराबाद 14 मैच जीत के आ रही है। अब अगर बात करते हैं, चलते हैं इनके पिच रिपोर्ट देखते हैं, जहाँ पे यहाँ के पिच बैटिंग फ्रेंडली है, यहाँ पर हमेशा बैटर्स को हेल्प मिलती है। यहाँ पे एवरेज स्कोर आपको 175 के आसपास देखने को मिलेंगे। पिछले गेम में जहाँ पे पंजाब ने यहाँ पे चेस करते हुए मैच को जीता, जहाँ पे टॉस जीतकर टीम यहाँ पे पहले गेंदबाजी करना पसंद करेगी। अब बात करते हैं वेदर रिपोर्ट देखते हैं, जहाँ पे मैच के दिन में मौसम पूरी तरह क्लियर रहेगा, ह्यूमिडिटी 63% रहेगा और टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस रहेगा। वहीं अगर बात करें इनके विनिंग परसेंट देखते हैं, जहाँ पे बैटिंग फास्ट का यहाँ पे 0% जीतने का चांस है, वहीं बॉलिंग फास्ट का यहाँ पे 100% जीतने का चांस है। अब बात करते हैं इनके एवरेज स्कोर देखते हैं, जहाँ फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 174 है, वहीं पे सेकंड इनिंग का एवरेज स्कोर 177 है। अब अगर बात करते हैं पहली टीम यानी हैदराबाद का शॉट एनालिसिस करते हैं, जहाँ पे टीम ने टूर्नामेंट अब तक बेहतरीन परफॉर्मेंस करके आगे बढ़ रही है। टीम का परफॉर्मेंस उतार चढ़ाव वाला भी चल रहा है। टीम अब तक 4 मैच खेले, जिसमें से 2 ही में जीत हासिल की। अगर लास्ट गेम में बात करेंगे, जहां पे टीम ने CSKO को हरा दिया था, जहां पे पैट कमिंस जो टीम के कप्तान है, टीम की बैटिंग ऑर्डर बहुत ही स्ट्रांग है। लास्ट गेम में जहां पे मयंक अग्रवाल को ड्रॉप किया गया था, जहां पे ट्रेविस हेड अभिषेक शर्मा टीम के लिए ओपन कर रहे हैं, दोनों टीम को तेज शुरुआत भी दिला रहे हैं। नंबर 3 पर जहां पे उतर रहे हैं एडम मक्राम, जो कि कंसिस्टेंट होकर रन भी बना रहे हैं, जहाँ पे हैनी क्लासन जो कि जबरदस्त फॉर्म में दिख रहे हैं, वो टीम के रियल लीडिंग रनर स्कोरर भी हैं। जहाँ पे आपको नितीश रेड्डी को लास्ट गेम में मौका मिला था लोअर ऑर्डर में, जहाँ पे शहबाज अहमद और अब्दुल समद है। अब बात करते हैं बॉलिंग, जहाँ टीम CSKO को ज़्यादा रन नहीं बनाने दिया, यहाँ पे भुवनेश्वर कुमार जो कि लास्ट गेम में अच्छी बॉलिंग किए थे, वहीं पर पैट कमिंस जो टीम के टॉप विकेट टेकर भी है, यहाँ पे आपको मार्को जेनसन को प्लेइंग 11 में मौका नहीं मिल रहा है। स्पिन बॉलिंग में आपको मयंक मारकंडे है, यहाँ पे जयदेव उनाडकर जो कि 1 विकेट लिए थे, वहीं पे नटराजन भी बहुत महंगे पिट गए थे पिछली मैच में। अब बात करते हैं हैदराबाद का प्लेइंग 11 देखते हैं, जो कि अभिषेक शर्मा है, ट्रेविस हेड है, एडम मक्काम, हेनरी क्लासन है, अब्दुल समद है, शहबाज अहमद है, नीतीश रेड्डी है, मयंक मारकंडे, भुवनेश्वर कुमार है, पैट कमिंग्स और जयदेव उनाडकर है। अब बात करते हैं इंपैक्ट प्लेयर में, जो कि आपको नटराजन है, उमरान मलिक है, वाशिंगटन सुंदर है, ग्नैन फिलिप्स है और राहुल त्रिपाठी है। वहीं अगर कुछ की प्लेयर की बात किया जाए, जो कि अभिषेक शर्मा है, हेनरी क्लासन है और पैट कमिंग्स है। अगर बात करते हैं दूसरी टीम यानी पंजाब किंग्स का शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, यहाँ पर टीम ने अब तक मिला जुला परफॉर्मेंस किया, लगातार 2 हार के बाद लास्ट गेम में टीम ने गुजरात को हराया, रोमांचक मुकाबले में एक समय टीम पर हार गई थी, फिर शशांक सिंह ने जहाँ पे बेहतरीन बैटिंग करते हुए टीम को जीत दिला दिया। टीम के लिए ओपनिंग में आपको बेस्ट ऑन शिखर धवन की जोड़ी देखने को मिल रही है, जहाँ पे मिडिल ऑर्डर में प्रभ सिमरन सिंह और सैम करन खेल रहे हैं, वहीं पर लाइम लिविंगस्टोन के जगह सिकंदर राजा को चांस मिला था, यहाँ पे जितेश शर्मा भी अब तक फ्लॉप चल रहे हैं। वहीं अगर बॉलिंग में, जहाँ पे टीम लास्ट गेम में बहुत महंगी पिट गई थी, यहाँ पे हर्षल पटेल जो कि आउट ऑफ फॉर्म में चल रहे हैं, उनका होना टीम में एक बिग प्रॉब्लम है। वहीं पर कसीगो रवा जो कि अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं, उन्होंने 6 विकेट लिए हैं। यहाँ पे इंडियन पेसर हर्षदीप सिंह जो कि लास्ट गेम में विकेट लेस थे, वहीं पे स्पिन बॉलिंग में राहुल चढ़ के जगह हरप्रीत बराड़ आए थे और उन्होंने 1 विकेट लिए थे, वहीं पर सैम करन ज़्यादा बॉलिंग नहीं कर पाए। अब बात करते हैं पंजाब किंग्स का प्लेइंग 11 देखते हैं, जो कि शिखर धवन है, जॉनी ब्रेस्टो है, प्रभ सिमरन सिंह है, जितेश शर्मा है, सिकंदर राजा है, सैम करन है, शशांक सिंह है, हर्षल पटेल है, हरप्रीत बराड़ है, हर्षदीप सिंह है, कसिगो रवा है। वहीं अगर इंपैक्ट प्लेयर में बात करेंगे, जो कि नाथन एलियस है, टी त्यागराजन है, आशुतोष शर्मा, राहुल चरण, लाइम लिविंगस्टोन है। वहीं अगर कुछ की प्लेयर की बात किया जो कि सैम करन, शिखर धवन और कसिगो रवा है। तो फाइनली दोस्तों हमने हर एक चीज़ पे डिस्कशन कर ली, तो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं टॉस विनर की।
तो हमारे अकॉर्डिंग आज का टॉस विनर यहाँ पे पंजाब होगा। वहीं अगर मैच विनर की बात कहेंगे तो यहाँ पे भी मैच विनर पंजाब ही होगा। यहाँ पे हैदराबाद को हार मिल सकते हो। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।